सब एंटी माफिया अभियान के तहत लगातार जिला पुलिस और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। मुख्तार गैंग पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, सब लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं, कुछ संपत्तियां भी उनकी जो है कब्जे से मुक्त करा के सरकारी कब्जे में। अब तक शासन के निर्देश पर जनपद गाजीपुर में जो चिन्हित माफिया हैं उसमें 17 माफिया चिन्हित किए गए थे, जिसमें एक आईजेड गैंग आईएस गैंग है, इंटरस्टेट गैंग इनका मुख्तार अंसारी का है। इनके सदस्यों, रिश्तेदारों और सहयोगियों से के कब्जे से जो कर संपत्ति अब तक मुक्त कराई गई है उसकी अनुमानित कीमत लगभग 39 करोड़ और 80 लाख के आसपास बैठती है। इसके अलावा इनसे 37 लोगों के शस्त्र अब तक निलंबित करा करके और विभिन्न थानों में जमा कराए जा चुके हैं। इसी प्रकार से समस्त जो 17 माफिया हैं, जिसमें शराब माफिया 3 हैं, 3 वो तस्कर माफिया हैं और शेष आपराधिक माफिया हैं, समस्त गैंगों के विरुद्ध अनवरत कार्रवाई चिन्हित करके की जा रही है और ये कार्रवाई शासन के निर्देश पर लगातार जारी रहेगी। सर, ये जो आपने बताया कि 17 माफिया हैं, इसमें कितने अब तक अरेस्ट हैं, जेल के अंदर हैं या अभी? इसमें कई, जैसे मुख्तार अंसारी गैंग के जो मुखिया हैं वो जेल में हैं, इनका सदस्य है गोरा राय वो जेल में हैं, त्रिभुवन सिंह वो जेल में हैं। इसी प्रकार से कई माफिया जो जेल में हैं लेकिन उनके कई सदस्य और कुछ ऐसे लोग जो बाहर हैं, जमानत पे हैं और अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनको चिन्हित करके उनके दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने जहाँ जहाँ पर भी सरकारी परिसंपत्तियों पर कब्जा कर रखा है उसको मुक्त कराया जा रहा है। और जितने भी सहयोगी और सदस्य हैं, उनके परिजन जो उनको सहयोग करते हैं छद्म रूप से और असलहे ले रखे हैं लाइसेंस पे, उनको चिन्हित करके उनके लाइसेंस निरस्त करके उनको जमा कराए जा रहे हैं। ये अभियान सघन रूप से चलाया जा रहा है और चलता रहेगा। सर, माफियाओं के आगे में जो टॉप 10 जनपद स्तर पर टॉप 10 जो सूची बनाई गई है वो उन्हीं व्यक्तियों की बनाई गई है जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और जिन पर मुकदमे अच्छे खासे हैं। इनमें शिवा बिंद है जिसपे 50,000 रुपये का इनाम है, बनारसी यादव है 50,000 का इनाम है। इसी प्रकार से अन्य बदमाश हैं, अपराधी हैं जिनको चिन्हित किया गया है। एक इन टॉप 10 में से अब तक 2 जुलाई को एक ओम प्रकाश यादव की गिरफ्तारी परिसर थाना के अंतर्गत की जा चुकी है। शेष जो 9 हैं उनके पीछे हमारी टीमें लगी ही हैं और शीघ्र ही हम गिरफ्तार करके उनको जेल के पीछे भेजेंगे। टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर सर एक प्रशासनिक पुलिस की प्रशासनिक कवायद तो चली रही है, जनता को भी नहीं मालूम है ये कौन है कैसे हैं। इनके जितने टॉप 10 के अधिकारी हैं जो इनामिया हैं और वांछित हैं उन्हीं को रखा गया है। इनके पोस्टर बनाए जा रहे हैं और जिस क्षेत्र में रहने वाले हैं जनपद के पुलिस थानों में और सार्वजनिक स्थलों पर उनको लगाया जाएगा, ताकि जो है लोग अगर उनको देखें और उनको कहीं पे देखें, उनकी सूचना मिले तो पुलिस को सूचना दे। इनके पोस्टर बनाए जा रहे हैं और शीघ्र ही समस्त थाना क्षेत्रों में और जनपद के अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर इनको चस्पा किया जाएगा, ताकि इनसे संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा सके। ऊपर आते हैं एक मिनट बना ली उनसे। सब मत ठीक है सर। अंदर देख लीजिए, थोड़ा पीछे हो जाओ, अंदर देख लीजिए। Thank you.
ग्राउंड में आ जाइए।